ये सारे पैसेंजर जो है बस के इंतजार में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से खड़े हैं। चार दिन से जो है ये चक्का जाम का यहाँ पर कंडीशन। बस में काफी भीड़ जो है। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नीरज राय ब्लॉग में। काफी सुंदर जो है यहाँ का आज मौसम है। लगभग 9:30 बज चुका है और आप देख सकते हैं वेदर का क्या कंडीशन है। इधर चारों तरफ जो है पूरा कोहरा और धुंध छाया हुआ है, काफी यहाँ पर कम दिख रहा है। और अभी हम लोग मौजूद है बिहार के भागलपुर जिले में और भागलपुर जिले के नौगछा का या 0 माइल का एरिया है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सड़क है, ये एक ओवर ब्रिज है, ये जो है भागलपुर और मधेपुरा को जो है यहाँ पर जोड़ता है ये 4 लेन का सड़क। देख सकते हैं यहाँ पर जो हिट एंड रन कानून आया है केंद्र सरकार का, तो उसका जो जाम का स्थिति है आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बहुत ही कम गाड़ियां यहाँ पर चल रही है, सिर्फ छोटे छोटे टेम्पू मोटरसाइकिल और छोटा जो है प्राइवेट वाहन ही यहाँ पर जो है अभी चलाया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये किसान जो है दूध को लेकर के जा रहे हैं इधर, ये पैसेंजर लोग जो है बस के इंतजार में यहाँ पर खड़े हैं और गाड़ी जो है काफी कम संख्या में यहाँ पर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है ये नौगछा 0 माइल का दृश्य है और काफी जो है कम गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और बिल्कुल भी बस और बड़े वाहन जो है मालवाहक वो सब यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये सारे पैसेंजर जो है बस के इंतजार में यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से खड़े हैं। बस में काफी भीड़ जो है, एक दो बस जो चल रहा है। तो यहाँ पर जो है अभी हिट एंड रन जो कानून केंद्र सरकार का आया हुआ है, तो इसका जो है विरोध का जो है हड़ताल चल रहा है और अभी सारे जो है ट्रक और जितने भी बड़े बड़े वाहन हैं, बस और जितना भी मालवाहक हैं, वो सब अभी जो है एसोसिएशन के द्वारा जो है पूरे देश भर में जो है चक्का जाम के तहत जो है बंद किया गया है। इस चक्का जाम के असर का जो है यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं, काफी खाली खाली सा जो है पूरा सड़क यहाँ पर दिख रहा है और लगभग 4 दिन से जो है ये चक्का जाम का यहाँ पर कंडीशन बना हुआ है। तो हिट एंड रन कानून जो है, इस कानून से जो है जो असर पड़ने वाला है ड्राइवरों पर काफी ज्यादा जो है ये कठिन है, क्योंकि इसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है वो 10 साल और 5 साल किया गया है और उसमें जो है जुर्माना भी 5 से 7 लाख तक का जो है लगाया गया है। तो ये नया कानून जो है ये ड्राइवरों को जो है काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये जो मौसम है अभी काफी विजिबिलिटी कम है, तो इसमें बहुत सारा दुर्घटना जो है आए दिन होते रहता है। और भी दुर्घटना जो है जैसे कि किसी आवारा जानवर का सड़क पे आना और भी अच्छा ड्राइविंग नहीं कर रहा है उसके वजह से हो जाना, तो बड़े वाहनों से धक्का लगता है या कोई भी तरह का दुर्घटना होता है तो बड़े वाहनों को ही जो है जिम्मेदार माना जाता है। तो इसमें जो है सजा का प्रावधान जो है, यदि किसी कोई दुर्घटना किसी ड्राइवर या गाड़ी से हो जाता है तो उसमें यदि आप जिसके साथ दुर्घटना हुआ है उसको यदि आप हॉस्पिटल पहुंचाते हैं उसके साथ रहते हैं तो यदि तो आपका सजा कुछ कम हो सकता है और जुर्माना भी कम हो सकता है। और यदि आप उस स्थिति में वहां पर रुकते हैं तो फिर आपके साथ जो दुर्घटना जिस गाड़ी के थ्रू हुआ है जिस ड्राइवर के थ्रू हुआ है उसके साथ भी जो है दुर्घटना होने का पूरा संभावना होता है, क्योंकि पब्लिक मूवमेंट जो बनता है वो भीड़ जो है मारने पीटने का भी जो है काम वहाँ पर कर देते हैं। बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाएं भी जो है ड्राइवर के का यहाँ तक कि जान भी चला जाता है उस मूवमेंट में। तो कोई भी ड्राइवर जो है उस स्थिति में रुकना पसंद नहीं करता है, क्योंकि जो है उसको भी अपने जान का खतरा होता है कि वो जो है कहीं भीड़ के शिकार ना बन जाए। तो इस स्थिति में जो है वो रुक करके जो यदि उसका इलाज करवाता है तो वो भी जो है उसके लिए खतरनाक बन जाता है। इस कानून को जो है थोड़ा सा और भी जो है ढीला करने का जरूरत जैसा कि महसूस हो रहा है और जिस तरह से जो है ये चक्का जाम किया गया है तो उसको जो है स्थिति परिस्थिति देखते हुए जो है केंद्र सरकार को इस पर कुछ नया जो है डिसीजन लेने का जरूरत दिखाई पड़ रहा है। तो हम लोग जो पब्लिक हैं उनसे जो है कुछ रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से जो है ये कानून यहाँ पर अच्छा है या खराब है, ये इसमें क्या कम और ज्यादा करने का जरूरत है इस कानून में। हमारे साथ हैं ये चंदन जी और इनसे जो है हम लोग थोड़ा सा रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे इस हिट एंड रन कानून के बारे में। तो चंदन जी, आप इस हिट एंड रन कानून के बारे में जो है थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से जो है ये ड्राइवरों पर असर करेगा। इससे तो या इस कानून के ऊपर जो है सरकार अभी रात में कुछ दिशा निर्देश दी है, पर बात होता है जो पिछला है अभी वही रहेगा और नए कानून पर अभी जो है काम नहीं किया जाएगा, इस पे रोक लगाया गया। लेकिन यह कानून जो सोच के लाया गया था यह काला कानून ही माना जाएगा, ड्राइवरों
के साथ क्या मुश्किल होती है, और जहाँ तक छोड़कर भागने के बाद जो है और उसमें जो शक्ति थी, तो ड्राइवर को तो मजबूरी होता है कि एक्सीडेंट के बाद उसको छोड़ के भागना पड़ेगा, अन्यथा तो उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाए। पब्लिक इतना इस तरह से बिहेव करती है। जहाँ तक बात है भाजपा का, तो वह यह सोच चुकी है कि हमको जो है हम जो भी कानून लेके आएंगे तो अच्छा रहे खराब रहे पब्लिक जो है हमको पूरा सपोर्ट करेगी, और उसको दिख भी गया होगा कि हम जो कानून लाए हैं उस कानून का क्या असर हुआ, और इसे बदलना ही पड़ेगा। पब्लिक आम पब्लिक तक जो है इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि हर घर में बाइक चलाने वाले हैं, अपना कार चलाने वाले हैं। ड्राइवर जाति मतलब सिर्फ ट्रक और बस तक ही सीमित नहीं है, इसमें कार और बाइक भी है, जो हर घर पे इसका असर पड़ेगा, और कोई भी इस कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर घर से इसका विरोध होगा और इस कानून को फिर से वहीं पे लेके जाना होगा कि इसको जो है मना नहीं जाएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। ये जो है कानून किस प्रकार से असर करेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताइए। एक्सीडेंट करते हैं और आप जो है जिसको धक्का लगा है उसको छोड़ के भाग जाते हैं, तो उसमें जो है कुछ आर्थिक आपको ज्यादा लगेगा पनिशमेंट, कुछ सजा जो है जेल का ज्यादा लगेगा। तो हम पब्लिक का ये कहना है कि जान बूझ कर तो कोई किसी को धक्का नहीं मारता, धक्का तो अचानक किसी का भी गलती हो सकता है। हम बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं, छोटी गाड़ी वाले का गलती है, ये तो बाद का बात होता है, लेकिन उस समय अगर हम खड़ा हो जाए वहाँ तो पब्लिक तो हमको मार के ऐसे ही मार दे, तो इसलिए हमको तो भागना मजबूरी है। तब इसके लिए भी जो है ऊपर से आप आर्थिक भी दे रहे हैं और जेल का भी जो है प्रावधान आपका जो है बढ़ जा रहा है। पीछे का कानून ही सही था और इसमें जो है आप संशोधन कीजिए, लेकिन इसमें सजा का और जो आर्थिक का है उसमें कोई भी ड्राइवर जो कि 10,000-8,000 रुपया का नौकरी करता है वो कैसे इस चीज का कर पाएगा, 10 लाख कहाँ से ला के देगा। तो ये सब परेशानियों को जो है आप समझ सकते हैं किस प्रकार का परेशानी जो है ड्राइवरों को आगे चल करके इस कानून में होने वाला है, तो इसी पर जो है हम लोग आज यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। देखते हैं बस में काफी भीड़ जो है, एक दो बस जो चल रहा है। तो वीडियो यदि आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।